चीता क्या रहा हुआ सिलेक्शन? बोला कि बताते हैं थोड़ी देर में, वो तो होल्ड पर डाल दिया। करिश्मा सिंह? हाँ। मैडम सर हमारा नंबर आ गया, हम जाते हैं। जय हिंद। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप डिस्कनेक्ट मत करिए, ब्लूटूथ अपने कान में ही रखिए। इस मिशन में हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप कहीं भी अटकी तो हम यहाँ से आपको जो जो बोलते जाएंगे वो सब आप रिपीट कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? हाँ समझ गए। ठीक है, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शिव जी। सो टेल मी, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? करिश्मा सिंह घबराई मत, हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट कर दीजिए बस, ठीक है? इट इज पीपल्स मनी। इट इज पीपल्स मनी एंड दे शुड गेट इट, एंड दे शुड गेट इट। Okay, one final question. You are a woman, so how would you intimidate a person of my size to get the money? Okay, to iska jawab. Hello? Karishma Singh? Kya hua madam sir? Disconnect ho gaya. Woman collect money? Shayad yehi hai ki aurat hokar ek mard se paise kaise vasoologi? Come on, I'm waiting. I mean, just jawab though. How do you intimidate a person of my size to get the money back? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, गर्दन टूट जाएगी। अच्छा, जान पे बनाई तो हिंदी भाषा में बात करने लगे तुम। Give me what I want or you see Karishma Singh's भौकाल। मैडम, 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 जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जी मैडम सर, हाँ वो लगता है ब्लूटूथ का बैटरी चला गया था ना। ओके, क्या हो रहा है? हो गया। हो गया? देखो ये है हमारी बहू रानी। गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब पता लगा कि जब क्रेडिट कार्ड वाले लोग को मना करते थे तब उनको कैसा लगता था। सर हमें दुकान के लिए लोन चाहिए था। श्योर, बट फॉर दैट यू हैव टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज। मतलब? लाइक होम एग्रीमेंट पेपर्स, फिक्स डिपॉजिट। ओ भैया, हिंदी आता है ना तुमको, वो हिंदी में तुमसे बात कर रहे हो, तुम उनको हिंदी में नहीं समझा सकते हो। पता है जब उनको अंग्रेजी नहीं आता है तो? भारतीय हो ना, हिंदी बोल सकते हो तो बोलो ना, ताकि उनको भी लगे कि वो भारत में ही खड़े हैं। जी मैडम। धन्यवाद बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक यू फॉरगेटिंग योर जॉब एग्रीमेंट। आई सेड 10 क्रेडिट कार्ड्स अ वीक। इफ यू कांट डू दैट, I'm gonna have to fire you. Thank you, sir.
Have a good night, good rate. Sorry. लो ना भाई, क्रेडिट कार्ड लो ना ले तो ये क्रेडिट कार्ड लो। चीते चीते हाँ का क्या रहा मैडम, सुबह से अलग अलग तरीका से अलग अलग स्टाइल से ट्राई कर लिए, एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं बिक रहा है हमसे। क्रेडिट कार्ड बेचना है यहाँ पर, कमीशन पर आए हम यहाँ पर, किस लिए आए हम यहाँ पर बताओ, किस लिए आए? जो भरत था ना हाँ। उसको उसका मैनेजर निकाल दिया है। अच्छा हाँ हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक सांस में बताओ कि हम यहाँ किस मिशन पर आए हैं, वरना धुलाई कर देंगे यहाँ पे सबके सामने। वो जो भरत है ना, वो बहुत सीधा साधा आदमी है, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन बैंक का मैनेजर को झूठा इल्जाम लगाकर उसको नौकरी से निकाल दिया, और कल उसका पेशी जो है ना वो कोर्ट में होने वाला है, और हम लोग उसी का सबूत ढूंढने के लिए ना यहाँ पर कोई झोल झपटा लाकर यहाँ पर बैंक में चले आए, ताकि हम बैंक के स्टाफ पर नजर रख सके। अब हमको समझ में आया मैडम कि आपको जो सवाल था ना क्या रहा, वही मतलब था केस में कितना प्रोग्रेस है, लेकिन हमारा जवाब यही है मैडम कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है मैडम। हम पूरा कोशिश कर लिए, हम सब स्टाफ पर नजर रखे हुए मैडम, लेकिन कोई भी संदिग्ध अपराधी नहीं मिला है मैडम। This is fake. क्या? Fake note? Yes sir, this is a fake note. नकली नोट है. And I'm sorry we can't accept it. According to RBI policies, we need to destroy it. पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो दुकान से लिया था. Fake. जीते, जा जा के help करो. हाँ. लेकिन मैडम हम जाके का ही help कर पाएंगे, आप तो जानती हैं हमको कि हमारा कितना. हिंदी आता है? हाँ. हिंदी में help करो जाके. जाओ जल्दी जाओ help करो. So most of the time it happens, sir. And nowadays, many fake notes are circulating in the market. It has happened to our other customers also. Sir, इनके कहने का मतलब है कि दूसरे customer लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है मेरी ही गलती हो। मैं दूसरा नोट लेके आता। मैडम सर, हमें बहुत चिंता हो रही है भरत की। कल उसकी कोर्ट में पेशी है, कल तक अगर वो इंसान पकड़ा नहीं गया जिसने भरत को फंसाया है, उस पर लगे सारे इल्जाम सच हो जाएंगे, बेचारे का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा मैडम सर। अब नहीं पुष्पा जी, आप टेंशन मत लीजिए, करिश्मा मैडम कहीं ना वो जरूर ढूंढ निकालेंगे उस आदमी को जिसने ये सब किया है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर संतु। घी शक्कर? पुष्पा जी घी से ना पिंपल आता है, जो शक्कर है वो बहुत फैट बढ़ाता है। तो कोई हेल्दी सी कहावत कहिए प्लीज। डीएसपी सर का फोन, जब से मैडम सर ने तोहफे में उन्हें फोन दिया है ना, मैडम सर का फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए पुष्पा जी चलिए। कहाँ चलिए? रुकिए ना, सुनते हैं। मैडम सर वो हमें इम्पोर्टेंट काम याद आ गया तो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। जय जय जय। हमारा जरूरी काम और हमें ही नहीं पता, तो ये बहुत गलत कर रही हो। तो सबको समझ नहीं आता बिल्कुल भी। जय हिंद सर। जय हिंद। तो हसीना जी, शॉपिंग के बारे में आपके क्या विचार है? जी हमने सुना है कि शॉपिंग एक अलग तरह की कला होती है, उसके लिए एक अलग तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो हमने सुना है कि औरतों में इनबिल्ट होती है। अगर हम आपके इस इनबिल्ट टैलेंट का लाभ उठाना चाहें, आपसे शॉपिंग की मदद चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? माफ कीजिए सर, लेकिन इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, अगर आप चाहें तो किसी छुट्टी के दिन हम। अरे नहीं हसीना जी, हम वो बैग उठाकर साथ साथ घूमने वाली शॉपिंग की बात नहीं कर रहे। फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, जो कि मोबाइल से ऑर्डर देकर की जाती है। ओह अच्छा। वो क्या है ना, ये जो मोबाइल नाम का यंत्र आपने हमें भेंट किया है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको हमारे साथ छुट्टी वाले दिन शॉपिंग करनी है, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? माफ कीजिए सर, लेकिन दूसरी लाइन पर हमें बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कॉल है, हम आपसे प्लीज बाद में बात करते हैं। जय हिंद। जी करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय। हमको ना एक क्लू मिला है। क्या क्लू मिला है बहना? एक मिनट, आप अनु भैया? जी। अब वहाँ क्या कर रहे हैं?
बस कुछ खास नहीं, शॉपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप और मैडम सर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, हम साथ में शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। आपके अनु भैया को शॉपिंग करनी थी, हम सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे थे? अच्छा, आप हेल्प कर रहे थे उनकी। कहाँ हेल्प कर रहे हैं आप, कौन से मॉल में? बहना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है फिर, कैसा आप बताइए? आप लोग साथ में नहीं है? साथ है परंतु नहीं है। हम फोन पर साथ में हैं करिश्मा सिंह। बहना, हम फोन पर साथ हैं। दरअसल हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी, तो हमें हसीना मलिक की मदद चाहिए थी, तो हमने हसीना मलिक को फोन किया, उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे और आप बीच में टपक गए, यानी कि आपका कॉल आ गया। और हम कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते थे, पर गलती से हमसे मर्ज हो गए दोनों कॉल। नहीं, हम सब समझ रहे हैं अनु भैया। जी नहीं, आपको कुछ गलत प्रतीत हो रहा है। देखिए, माफ कीजिए, अगर आप दोनों का हो गया हो तो प्लीज काम की बात करें। आपने किस क्लू के बारे में बताने के लिए फोन किया था करिश्मा सिंह, क्या हो गया? हाँ, वो जल्दी से ना 50,000 साथ में भेजिए। 50,000 की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? नहीं, हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं, 50,000 डिपॉजिट करने हैं। आप जल्दी से बंदोबस्त कीजिए 50,000 रुपए का, और फटाफट जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे भेज दीजिए। ठीक है, हम कुछ करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। माफ कीजिए सर, लेकिन अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, तो हम आपसे बाद में बात करें। कोई बात नहीं हसीना जी, हम समझ सकते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। संतु जी आ गए। संतु जी हमको का रे? अब बच्चन साहब का कोई इज्जत है कि नहीं? नहीं, बेचारे का बोलते बोलते गला सूख गया कि दो फीट की दूरी मास्क का जरूरी, फिर भी इतना चिपक के खड़ा है। तुम कर, दो फीट का दूरी रख। तुम दूर दो फीट, तुम जैसा दरिंदा आदमी को ना 2,000 करोड़ फीट दूर रहना चाहिए संतु जी से। चिपक के खड़ा काहे के लिए आया है तुम यहाँ पे? जाओ, कहीं मर जाओ। हो गया तेरा? हाँ, करिश्मा मैडम ने बोला सनी को साथ में लेकर आओ, क्योंकि यही है जिसका अकाउंट इस बैंक में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। समझा, जल कुकड़े। और संतोष जी, क्या आप भी 5G का जमाना चल रहा है और आप पेजर पे अटके हुए हैं? हाँ, सब तैयारी है ना? हाँ, बस पैसे जमा कराना है मैडम। जाओ, पैसे जमा कराओ और कैमरा लाओ ना। हाँ, फुल सेट है, ये देखो। बहुत बढ़िया, जाओ अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, जाओ। कैश जमा करना है जी। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है वहाँ पर? जी हाँ, एक संदिग्ध बैंक कर्मचारी है, उसको थोड़ा अंडरलाइन किए हैं हम। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप थोड़ा होल्ड पे रहिए ना, थोड़ा रुकिए। ओके ओके। Sorry, this is fake. Fake? Yes, sir. This is a fake note. Nakli note hai. And I'm sorry, we can't accept it. According to RBI policies, we need to destroy it. मिल गया मैडम सर, मिल गया। अभी घसीट कर लाते हैं उसको थाने में और दिखाते हैं उसको कानून का भौकाल। अभी लाते हैं हम, ठीक है? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन काहे मैडम सर, क्या हुआ? करिश्मा सिंह, बहस मत कीजिए, हम जैसा कह रहे हैं वैसे करिए। ये सही वक्त नहीं है कुछ भी करने का, अभी कुछ भी करेंगे तो जल्दबाजी होगी। हमारी आंखों के सामने है, हम लेकर आते हैं मैडम सर उसको। करिश्मा सिंह, वापस आइए, दैट्स एन ऑर्डर। नहीं, आपका दिक्कत क्या है? आज हमको फुल एंड फाइनल आप बता दीजिए मैडम सर कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कोई प्रयास करते हैं, तो आप हमको रोक देती है, आप उसके विरुद्ध हो जाती है। नहीं, क्या दिक्कत है आपका? आप चाहती थी अपराधी पकड़ा जाए, पकड़ा गया। भरत की बेगुनाही साबित हो गई, सब तो हो गया, फिर आपने हमें उस कैशियर को क्यों नहीं पकड़ने दिया? हम चाहते थे हम उसको पकड़ के यहाँ थाना लाए और उसको सबक सिखाए, लेकिन आपने हमको रोक दिया। केस तो सॉल्व हो ही गया था ना मैडम सर, फिर काहे रोका हमें?
मैडम सर, केस तो सॉल्व हो गया है, तो सबसे पहले मेरा बिल्लू निवास खाली हो जाना चाहिए। नहीं भाग। करिश्मा सिंह, भरत के निर्दोष साबित होने से बेशक ही केस सॉल्व हो गया, कैशियर के पकड़े जाने से बैंक मैनेजर ये बात मान लेगा कि भरत बेकसूर है, लेकिन क्या वो उसे उसकी जॉब वापस दे देगा? चलिए मान लीजिए कि वो किसी प्रेशर में आकर वो उसे उसकी जॉब वापस दे भी दे, तो भी क्या वो इज्जत, वो वैल्यू, वो सम्मान जो भरत जैसा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय डिजर्व करता है, क्या वो मिल जाएगी उसे? नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि बैंक मैनेजर ये मानता है कि भरत ये जॉब डिजर्व ही नहीं करता, और वो ये ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि भरत को अंग्रेजी नहीं आती। बैंक मैनेजर और उसके जैसे लोगों का ये मानना है कि जिसे इंग्लिश आती है वो समझदार, बाकी सब बेकार। ये सोच, इस घटिया सोच को हमें बदलना है करिश्मा सिंह। उस बैंक मैनेजर को ये एहसास दिलाना है कि भाषा चाहे कोई भी हो, वो अपने अपने देश में और अपनी अपनी जगह पर बहुत सही है और बहुत महान है। दो भाषाओं की तुलना करना ये बात बेकार है, ताकि अगली बार भारत जैसे लोगों को भाषा के नाम पर जलील ना किया जाए। बैंक मैनेजर जैसे लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमने इतने अच्छे एम्प्लॉय को लिया है जिसकी हिंदी इतनी अच्छी है, शायद आपसे और हमसे भी ज्यादा अच्छी। तब जाकर ये केस सॉल्व होगा सही मायने। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम सर, हम शायद भूल गए थे कि हमारा मकसद भरत को इंसाफ दिलाने के साथ साथ उस मैनेजर जैसे लोगों को भाषा का महत्व दिलाना भी था। समझिए, भरत को तो इंसाफ मिल ही गया है, लेकिन मैनेजर जैसे लोगों का हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे समझाएंगे? तजुर्बा कहता है हमारा, तिजोरी की रखवाली करनी हो तो चोर से दोस्ती कर लो। मैडम सर, मुझसे क्या दोस्ती करोगे, मैं तो आपके साथ ही हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रहे बिल्लू। ओके फाइन। हम बात कर रहे हैं बैंक के अंदर बैठे उस चोर की, हमें उससे दोस्ती करनी है। राहुल, राइट? नो। तुम्हारे बैच पर तो राहुल लिखा हुआ है। अच्छा, तो पूछ क्यों रहे हो? तो ऐसे ही कंफर्म कर रहे थे भाई, तुम काहे इतना उखड़ का रहे हो यार? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और का बैच लगा कर घूम रहा हूँ? नहीं, हमको तो ऐसा लगा कि हेलो इंग्लिश वायरल सर ने अगर हमें हिंदी बोलते देखा ना तो फाइन ठोक देंगे। ऐसे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। ऐसे तुम्हें देख कर लगता तो नहीं इंग्लिश और तुम्हारी कभी बनी होगी। गजब है यार, हम तुमसे दोस्ती करने आया, तुम हो कि तुम तो हमको धोए चले जा रहे हो। ड्यूड इंग्लिश, कैन यू फ्रेंडशिप मी? What are you friendship me? मतलब मैं सही था, इंग्लिश में टार्जन हो। Will you be my friend? ऐसे बोलते हैं। Got it? Copy paste friends? जा भाई, क्यों दिमाग खा रहे हो? हिसाब देख के बात कर, अगर साथ में चलेंगे ना तो ड्राइवर लगेगा। ऐसे एक बात बता, सच सच बोला, ऐसी इंग्लिश के साथ तूने इंटरव्यू पास कैसे किया? ऐसे जैसे दिखते हो ऐसे तो हो नहीं तुम। किस फिराक में हो? देखो दोस्ती करनी है तो सच तो बोलना पड़े, बताओ। नहीं, योर विश। कोई कुछ जाने ना जाने, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं भैया। ये देखो, हमारा हमारा, हमको दे दो, नहीं दिखा रही। देखो क्या चाहते हो तुम लोग, अब इस क्लिप को प्लीज डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज आई बेग ऑफ यू, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम तो तुमसे हाथ मिलाने के लिए आए थे, तुम तो हाथ जोड़ रहे, बताओ। अभी थोड़ा देर पहले तो बड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहे थे कि हिसाब से बात किया कर, साथ चलेगा तो ड्राइवर लगेगा, फाइन मार देंगे तो पूरा महीना का बजट हिल जाएगा तुम्हारे, आप नहीं बोलोगे? देखो भैया माफ कर दो, गलती हो गई। नहीं वैसे सही पहचाना तुमने, हम जो दिखाई देते हैं ना वो है नहीं। और जो है अगर वो दिखाई दे गए तो उसके होने का फायदा क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो भैया ऐसा है, हम यहाँ 8-10 हज़ार का रेजगारी कमाने नहीं आए हैं, हम आए हैं यहाँ पे बड़ा हाथ मारने। कब तक ये 5-10 हज़ार का तुम ये टुच्चागिरी करते रहोगे? माँ हमसे हाथ मिलाओ, लाखों कमाओगे, समझ रहे हो बात को?
और वो कैसे? कैसे मतलब? देखिए कितना गजब का आदमी है भाई, मतलब दोस्ती किए बगैर सारा राज जानना चाहते हैं, कैसे? दोस्त तो बन जाओ यार पहले। Will you be my friend? हिंदी। मुझसे दोस्ती करोगे? अरे हिंदी में तो जान दे दे यार। तो बताओ करना क्या है? Mr. Viral King. Yes, is there a problem, madam? Yes, there is a problem. हमें खबर मिली है कि आप यहाँ बैंक की आड़ में नकली नोट्स यानी कि फेक करेंसी का काला धंधा चला रहे हैं। That's impossible. We are a reputable bank. हाँ तो ठीक है ना, तलाशी ले लेते हैं। आपकी भाषा में अभी मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। Please एक मिनट। करेंसी कहाँ रखी जाती है? मेरे कैबिन में, अंदर लॉकर। दिखाइए। जी प्लीज आइए। इन्हें कैसे पता चला? पुलिस है, सारा जानकारी रखती हैं। और वैसे भी नकली नोट मिलेंगे तो मैनेजर फंसेगा ना हमको। मस्त रहो। तुम क्या चिंता कर रहे हो? चील रहो एकदम, चील इंग्लिश में है? ये देखिए। नकली, सब नकली मैडम सर। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है मिस्टर वायरल किंग। नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।